3D प्रिंटिंग एक बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है जहां नए नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। आज हम ऐसी ही एक न्यू 3D प्रिंटिंग टेक्निक के बारे में समझने वाले हैं। सो वेलकम टू रीडिफाइन। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एक 3D प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। आज हम जानने वाले हैं कि कंपोजिट बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या CBAM प्रोसेस के बारे में, जो इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स जो एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। थोड़ा रिसर्च करने पे हमें ये पता चला कि ये एक स्टार्टअप है जिसने ओवेंस कॉर्निंग के साथ कोलैबोरेशन करके CBAM टेक्नोलॉजी बनाई है। ओवेंस कॉर्निंग एक इंसुलेशन, रूफिंग और फाइबर ग्लास कंपोजिट की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओवेंस कॉर्निंग का इंडिया में भी एक प्लांट है जो मुंबई बेस्ड है। अभी हम CBAM की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है CBAM? CBAM एक लेटेस्ट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है जिसमें हाई क्वालिटी स्ट्रॉन्ग फंक्शनल प्रोटोटाइप बनाए जा सकते हैं। इन फंक्शनल प्रोटोटाइप के मटेरियल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छे होते हैं। इस प्रोसेस में ट्रेडिशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से हायर स्पीड्स से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। पहले ऑब्जेक्ट को मल्टीपल लेयर्स में स्लाइस किया जाता है जिससे हमें ऑब्जेक्ट के मल्टीपल लेयर या क्रॉस सेक्शन व्यूज मिल जाते हैं, वैसे ही जैसे हमें SLA प्रिंट्स में मिलते हैं। फिर एक कंपोजिट मटेरियल जैसे कार्बन फाइबर, केवलर या कोई भी फाइबर ग्लास के थिन शीट पर इंकजेट फ्लूइड से प्रिंट किया जाता है। प्रिंट होने पर शीट पर पॉलीमर पाउडर जैसे नायलॉन या PEEK विच स्टैंड फॉर पॉली ईथर ईथर कीटोन डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि ये पाउडर उस इंकजेट फ्लूइड पे जाके स्टिक हो जाता है। इसके बाद जो एक्सेस पाउडर होता है जो स्टिक नहीं हुआ होता है उसे वैक्यूम से सक्शन से सक किया जाता है जिससे सिर्फ फ्लूइड पर का पाउडर ही रह जाता है। इसके बाद सभी शीट्स को ऑर्डर में स्टैक किया जाता है और एक हीटेड कंप्रेशन चैम्बर में डाला जाता है। इन शीट्स को हीट और हाई प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है, इससे पॉलीमर पाउडर के साथ बाइंड हो जाता है जिससे मेल्ट होकर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट अनबाइंडेड फाइबर से सराउंडेड होता है जिसे केमिकली या मैकेनिकली रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ केसेस में सैंड ब्लास्टिंग का यूज़ करते हैं। एंड में हमें जो सॉलिड पार्ट मिल जाता है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। बट CBAM के क्या फ़ायदे होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस? नंबर वन, स्ट्रॉन्गर। इससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से अप टू 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। नंबर टू, रेंज ऑफ मटेरियल। इस प्रोसेस से हमें ऐसे मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में उतनी आसानी से नहीं यूज़ किए जा सकते, जैसे हाई परफॉर्मेंस नायलॉन, PEEK, कार्बन फाइबर PA6। PA6 कार्बन फाइबर ऑफर्स ए हायर स्ट्रेंथ एट लोअर कॉस्ट एज कम्पेयर टू PA12 कार्बन फाइबर। इस प्रोसेस में हमें अलग कंपोजिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे BASFs, अल्ट्रासेंट PA6 पॉलीअमाइड 6। इस प्रोसेस में हम 12x12 इंच के एरिया पर ऑब्जेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। इसकी हाइट कितनी भी हो सकती है विच डिपेंड्स ऑन द कंप्रेशन चेंबर। नंबर फोर, स्पीड। इसका वन ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट है इसकी स्पीड, जो ट्रेडिशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से 10 टाइम्स फास्टर होती है। तो ये सब देखने के बाद चलो देखते हैं इसके प्रिंटर्स किसके लिए है और इसका फ्यूचर क्या है। ये 3D प्रिंटर उन इंडस्ट्रीज के लिए है जिन्हें एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल्स का रिप्लेसमेंट चाहिए जो अच्छा स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो दे सके। इसका यूज़ एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, कार टेक्नोलॉजीज, एनर्जी सेक्टर्स जैसे ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जाम्पल PCB बोर्ड्स में किया जा सकता है। और ये उन एंथुजियास्ट के लिए भी है जिन्हें न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना पसंद है जो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सके। सो ये था CBAM। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही न्यू 3D प्रिंटिंग रिलेटेड कॉन्टेंट देख सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।